मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। डिंपल भाभी की तगड़ी जीत बताई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर गौर करें बसपा सुप्रीमो मायावती के बयानों की तरफ, तो मायावती ने बुधवार को लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव के लिए पार्षद उम्मीदवारों की घोषणा करने के निर्देश दे दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से आ रही है कि सपा भाजपा के खिलाफ बसपा भी अपने प्रत्याशी नगर निकाय चुनावों में उतारेगी। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव, रामपुर उपचुनाव और खतौली उपचुनाव को लेकर चर्चाएं ज्यादा थी। मायावती का समर्थन किसी भी पार्टी को देखने को नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ डिंपल के समर्थन में ना सही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ बयानबाजी मायावती ने जरूर करी थी, जिससे फायदा सपा को ही मिला। लेकिन अब जानकारी दे दे कि जानकारी के अनुसार जो बैठक हुई, उन्होंने कहा है कि जहां भी मजबूत उम्मीदवार मिल रहा है उनके नामों की घोषणा इसी हफ्ते करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके साथ ही मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। मायावती ने इसके साथ ही लखनऊ मंडल प्रभारी बदल दिए हैं। पहले लखनऊ मंडल का काम भीमराव अंबेडकर, गंगाराम गौतम और अखिलेश अंबेडकर देख रहे थे। अब भीमराव अंबेडकर, विजय प्रताप, अशोक गौतम वे मोजीलाल गौतम काम देखेंगे। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी मुख्यालय पर लखनऊ मंडल की बैठक के दौरान निर्देश दिया कि निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी की जाए। पार्टी के जो भी पुराने कार्यकर्ता निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नामों का पैनल तैयार किया जाए और उनकी उम्मीदवारी तय करते हुए नए नामों की घोषणा की जाए। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश के सभी मंडल प्रभारियों से मेयर और अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों का पैनल मांगा है। पार्षद के नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। बसपा पिछली बार मेयर की 2 सीटें जीती थी। मायावती चाहती है कि इन दोनों सीटों के अलावा प्रदेश के अगर जो अन्य नगर निगमों में मेयर का चुनाव मजबूती से लड़ा जाए, इसके लिए जुझारू और अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए। तो एक तरफ मैनपुरी चुनाव के नतीजे डिंपल के समर्थन में आए और सपा अपने आप को नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार कर रही है। शिवपाल यादव भी अपनी पार्टी बसपा को उतारेंगे, ऐसी खबरें हैं। बीजेपी तो उतरेगी, कांग्रेस के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मायावती का ये सबसे तगड़ा ऐलान किया जा रहा है इस वक्त। जिस तरीके से यहाँ पर चुनावों की तैयारियों में अब मायावती भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी की ओर देखती नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव में कितनी सीटें हैं यहाँ पर बाजी मार पाएंगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा मायावती के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जो सियासत गर्माएगी, वो सियासत किसकी वजह से गर्माती है। क्या मायावती के फैसलों की वजह से गर्माती है, क्या वो सपा के साथ समर्थन में नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे या उनके खिलाफ नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।